आगाज करते हैं हम खबर के साथ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज और बेंच ये मुकदमा सुन रहा है। वजाहत करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मसाइल को अंदरूनी मामला कहा था। जस्टिस जमाल बंदुखेल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। वो कहते हैं कि इख्तलाफी नोट पर कायम हूँ। अज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 से है। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल की जानिब से ये भी अहम रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरीती फैसले ने आज खुद नोटिस को मुस्तरद किया था, यह भी कहा गया जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए कैसे मुशावरत की, यह भी सवाल उठाया गया। तफसीला जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, क्या कुछ हुआ अब तक समात में? जी, समात का जो आगाज़ है वो बहुत दिलचस्प अंदाज में हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जो कि अकलियती फैसला देने वाले जज साहिबान में शामिल हैं, उनकी जानिब से जो इख्तलाफ़ राय है एक मरतबा फिर खुल के सामने आया है। और गुज़िश्ता रोज़ की जो हैपनिंग थी उस पर उन्होंने वजाहत दी। उन्होंने कहा कि मैंने जो गुज़िश्ता रोज़ बात की मीडिया में, उसे गलत रंग दिया गया। मेरी बात करने का जो मकसद था वो सुप्रीम कोर्ट के जो इंतज़ामी मामले से मुतल्लिक था, सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल से मुतल्लिक था, और वो इस बात पे कायम है कि वो 4 जजेस का फैसला था जिसमें जो इंतखाबात से मुतल्लिक जो अज खुद नोटिस का जो मामला था उसे नाकाबले समात करार दिया गया, और 3 जज साहिबान का जो फैसला था वो अकलियती फैसला था। तो इसमें जो फारूक एच नाइक हैं वो रोस्ट्रम पे आए। उन्होंने कहा कि पहले इस बात का फैसला किया जाए कि 4 जज साहिबान का फैसला था या 3 जज साहिबान का फैसला था। तो जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया, उन्होंने फारूक एच नाइक को ये कहा कि अदालत का माहौल ख़राब ना किया जाए, आप बैठें, हम पहले इलेक्शन कमीशन को सुनेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत दी गई थी, उन्होंने शेड्यूल मंसूख किया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील एडवोकेट सवाती जब रोस्ट्रम पे आए तो इरफान कादिर, जो कि मुआवने खसूसी हैं, उन्होंने मुआवने खसूसी की हैसियत से रिज़ाइन करके इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर वो अदालत में पेश हुए। तो इसमें यह कहा गया कि हम सवाती साहब को सुनेंगे, जो अदालत की जानिब से ये कहा गया। तो फिर इरफान कादिर की जानिब से कहा गया कि अगर मुझे नहीं सुनना तो फिर मैं चला जाता हूँ। तो अदालत की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई इरफान कादिर को इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर पेश होने के लिए। इसमें इलेक्शन कमीशन से ये इस्तफसार किया गया जस्टिस मंदुखेल की जानिब से, कहा गया कि जब ये फैसला अकलियती फैसला था तो आपने शेड्यूल कैसे जारी कर दिया, कैसे सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी? तो इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से, एडवोकेट सवाती की जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने कानूनी राय लिए बगैर 3 जजेस के फैसले को अक्सरियती फैसला मानते हुए इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया, कोई कानूनी राय नहीं ली थी। और इसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जो सवाल किया कि सदर ने किस इख्तियार के तहत तारीख दे दी, तो इस पर फिर जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर जमाल खान मंदुखेल रिमार्क्स ना देते तो मैं ये बात ना करता। क्या अकलियत खुद साख्ता तौर पर यह दावा कर सकती है कि वो अक्सरियत में है? और इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि जो रिमार्क्स मैंने सवाल किया है, इलेक्शन कमीशन इसका जवाब दे, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो बेंच की जानिब से इख्तलाफ राय जिस अंदाज में सामने आ रहा है, इसमें एक जज साहब जो हैं 5 रुकनी बेंच के, वो मुसलसल इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये जो 4 जजेस का फैसला था, यानी जो इख्तलाफी फैसला था, जो 2 जज साहिबान जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आतर मिनुल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, तो वो कह रहे हैं कि ये अगरचे 2 जजेस को जो पहले अलग कर दिया गया था 7 रुकनी बेंच से, तो इख्तलाफी फैसले में भी ये कहा गया कि ये कानूनी तौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता था। जब कोई बेंच बन जाता है तो ये चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं होता फिर किसी भी जज साहब को बेंच से अलग करने का। तो गुज़िश्ता रोज़ जब ये हाइप क्रिएट हो गई, ऐसा लगा कि जब अटर्नी जनरल से बातचीत करते हुए, मुकालमा करते हुए वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, तो आज उन्होंने उसकी वजाहत की, बल्कि भरपूर वजाहत की, और ये कहा कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जो इसको रंग दिया गया है। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना जा रहा है, और इसमें जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं, पीपल्स पार्टी के वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई फारूक एच नाइक की जानिब से, पहले इस मामले को निपटा दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि ये अदालत का माहौल ख़राब करने के मुतरादिफ है।
वकील जो इलेक्शन कमीशन के हैं उन्होंने उनकी जानिब से इस वक्त जो दलाइल दिए जा रहे हैं, इसमें चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि हम पहले सवाती साहब को सुनेंगे, उसके बाद अब दीगर वकला को सुनेंगे। आज जो पीडीएम जमाते हैं और पीपल्स पार्टी है उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त दायर की गई है इसमें फरीक बनने के हवाले से। पहले तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ये जब समाअत चल रही होगी दरख्वास्त वहाँ दायर की जाए, और अब फिर बाद में वो दरख्वास्त जो है वो ले ली गई और अब वो फरीक बनाया जाना है उन्हें या नहीं अदालत ने अभी ये फैसला करना है। लेकिन जो हिकमत अमली नज़र आती है जो हकूमती जमातों की, जो नून लीग JUIFA और जो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली नज़र आती है वो यही आती है कि पहले इस मामले पर अदालत को उलझाए रखना है कि ये 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से फारूक एच नाइक को ये कहा कि हमने इस मामले को फैलाना नहीं है, हमने इस मामले को अब आगे लेकर चलना है, आप अदालत का माहौल ख़राब ना करें, तो अदालत भी क्लैरिटी के साथ इस मामले पे आगे बढ़ रही है। अगर इस केस की गुज़िश्ता 2 रोज़ की जो प्रोसीडिंग है सिर्फ उसको देख लिया जाए तो ये बताएंगे जिस तरह आप बहस का जिक्र कर रहे हैं 4-3 और 3-2 वाला जो मामला ज़ेर बहस है, क्या ये नुकता ज़ेर बहस आया कि जिस दिन चीफ जस्टिस साहब ने यह फैसला सुनाया था और फैसले में बाकायदा तौर पर यह लिख भी दिया गया था कि ये फैसला जो है वो 3-2 का फैसला है, तो ये एतराज़ उस वक्त सामने क्यों नहीं आया? देखिए ये सूरत हाल अचानक सामने आई, ये फैसला 23 फरवरी को तहरीर हो चुका था, उसमें जजेस के इख्तलाफात तो पहली समात में ही सामने आ चुके थे, लेकिन जब ये 23 तारीख का जो फैसला है 2-3 रोज़ बाद मंजर यहाँ पे सामने आया तो उस पर हमने देखा कि उस पर तमाम जजेस के दस्तखत थे जिसमें यह कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नया बेंच बनाएं। नया बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को 7 जजेस ने दे दिया था बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, तो उसमें ये जो लार्जर बेंच बनाया गया था इस लार्जर बेंच में जो 2 जज साहिबान हैं उनको 4 जज साहिबान को अलग कर दिया गया जब 9 रुकनी लार्जर बेंच में से, तो 9 रुकनी लार्जर बेंच में से 4 जज साहिबान में से 2 जज साहिबान वो थे जिन पर एतराज़ किया गया था कि ये अपनी राय पहले दे चुके हैं, जस्टिस एजाज़ुल अहसन जो है और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी। लेकिन साथ ही साथ जो 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने अपनी इख्तलाफी नोट प्रोसीडिंग के दौरान दिए थे, जस्टिस जो याहिया आफरीदी हैं और जस्टिस सतर मिनुल्ला हैं, उन्हें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब अलग कर दिया और नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया तो नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद ये एतराज़ात सामने आए कि ये इख्तियार आपके पास नहीं था। हालांकि ये जज साहिबान अगर उस ऑपरेशनल पैराग्राफ को देखा जाए तो तमाम 9 जज साहिबान के बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर दस्तखत थे कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाए, क्योंकि ये बैकग्राउंड में चीज़ें चूँकि चल रही थी और उसमें जो चाय के वक्फे के दौरान जो डिस्कशंस उस वक्त हुई उसको रिफ्लेक्ट हुआ ये उस फैसले में, और उसमें कहा गया कि उन डिस्कशंस के बाद अदालत को ये इख्तियार दिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया जाता है कि नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वो 9 रुकनी की बजाय 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, और उसके बाद जज साहिबान का इख्तलाफ इस सूरत में सामने आया कि उन 2 जज साहिबान को, यानी जिन पर एतराज़ था उनके अलावा उन 2 जज साहिबान को बेंच से जो अलग करने की पावर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को देखें, हम सुप्रीम कोर्ट के कवायद जवाबत को देखें, प्रैक्टिसेस को देखें, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ही पावर होती है। लेकिन अगर वो 9 रुकनी बेंच ये इख्तियार चीफ जस्टिस को ना देता तो फिर ये चीफ जस्टिस ऐसा नहीं कर सकते थे। तो बहरहाल अब ये जो कॉन्ट्रोवर्सी है ये कैसे वक्त में आई है कि जब वो अकलियती फैसलों की सूरत में ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जो आइनी माहरीन है, कानूनी माहरीन है, अगर उनसे बात करें और सुप्रीम कोर्ट में जो चलने वाले केसेस का ये माजी में जो प्रैक्टिसेस देखें तो ये इख्तियार बहरहाल चीफ जस्टिस के पास ही है कि ये बेंच जो है वो कितने रुकनी होगा। जब एक दफा बेंच तहलील हो गया, बेंच खत्म हो गया, तो नए जज साहिबान कौन होंगे, चीफ जस्टिस की जवाबदेही है। यही वजह है कि जस्टिस एजाज़ुल अहसन जिन पर गुज़िश्ता समात में एतराज़ किया गया था वो हट गए थे उस बेंच से, लेकिन इस बेंच में जस्टिस एजाज़ुल अहसन शामिल हैं, तो ये चीफ जस्टिस की ज़ाहिर है जवाबदेही है। तो इसमें जो पीडीएम जमाते हैं उनकी जानिब से जो हिकमत अमली बज़ाहिर बनाई गई है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो फारूक एच नाइक बुनियादी तौर पर सारे मामले को लीड कर रहे हैं। अकरम शेख को नून लीग ने गुज़िश्ता रोज़ वकील मुकर्रर किया था, लेकिन अदालत के गुज़िश्ता रोज के रिमार्क्स देखकर यह लगता था कि प्रोसीडिंग शायद ज्यादा
طویل نہیں چلے گی، یہ پروسیڈنگ شاید ایک دو روز میں کنکلوڈ ہو جائے گی۔ اور آج جو حکمت عملی نظر آ رہی ہے، جو فاروق ایچ نائک کی جانب سے روسٹم پہ آ کے کہا بھی گیا کہ اس معاملے کو الجھانا شاید چاہ رہے ہیں، اس معاملے کو التوا کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں، مگر عدالت یہ نہیں چاہتی، کم از کم عدالت کے جو تین جج صاحبان ہیں وہ شاید یہ نہیں چاہتے۔ اور ان کی جانب سے جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں وہ الیکشن سے متعلق، جو ان کا فیصلہ ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا کہ جلد از جلد دونوں صوبوں میں انتخابات کرائے جائیں، جس میں خیبر پختونخوا پنجاب میں انتخابات کا جو معاملہ تھا، تو اس میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ابھی وہ جو ٹیکنیکل سوال، وہ تمام سوالات کے الیکشن کمیشن نے آخر کیوں ایسا کیا اور شیڈول منسوخ کر دیا۔ ابھی جو تازہ ترین اطلاعات عامر سعید عباسی رپورٹ کر رہے ہیں کمرہ عدالت سے، اس میں جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل کے ساتھ مکالمہ ہے، جسٹس منیب اختر نے یہ کہا ہے کہ پانچ جج عدالت میں بیٹھے سن کر فیصلہ کریں اور دو کہیں کہ ہمارا فیصلہ اکثریتی فیصلہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے چیمبرز میں جو کچھ ہوا یہاں زیر بحث نہیں آنا چاہیے۔ یہ وہی بات جو اب سے چند لمحے پہلے آپ کے ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ یہ بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں چل رہی تھیں، وہ پھر جو 23 تاریخ کا، جو 23 فروری کا جو فیصلہ تھا، اس میں یہ ریفلیکٹ ہوئیں۔ اور آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جو کچھ چیمبرز میں ہماری گفتگو ہوئی وہ یہاں اس طرح منظر عام پر زیر بحث نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا ہے کہ ہمارے تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا موقف ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ہے کہ ابھی مجھے اس پر نئی ہدایات نہیں ملیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آئین کہتا ہے صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں لگا کہ سپریم کورٹ کا 1 مارچ کا فیصلہ 2-3 کا فیصلہ درست تھا، ہم نے سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے بعد مشاورت شروع کی۔ تو ابھی بھی جسٹس جمال خان مندوخیل مسلسل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے جو سوال کر رہے ہیں وہ اس بات پہ قائم ہیں کہ جو 4 ججز کا وہ فیصلہ اکثریتی فیصلہ تھا، جو کہ بنیادی طور پہ 2 ججز نے پہلے اور 2 ججز نے بعد میں دیا، تو اس فیصلے کی بنیاد پر جسٹس جمال خان مندوخیل یہ نہیں مان رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اقلیتی فیصلہ تھا جس پر الیکشن کمیشن نے عمل کیا، وہ اس نے کس طرح اس پر عمل کیا، کیوں کیا، جس پر وکیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے ابھی انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو یعنی اپنے کلائنٹ سے ہدایات لینی ہیں۔ جی اچھا عدیل یہ بھی بتائے گا کہ جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں اور جو سماعت میں چل رہا ہے، جو ریمارکس دیے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کی جانب سے بھی، اور پہلے دن سے ہم نے دیکھا کہ حکومت کا یہ مطالبہ تھا کہ اس معاملے کو فل کورٹ بینچ سنیں، تو کیا اس معاملے پر اعتراضات دور کرنے کے لیے فل کورٹ بھی بنایا جا سکتا ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو ریمارکس سے؟